जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। अमर कुमार 18 वर्ष इनकी आयु है, पिता का नाम है जद्दू यादव। दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति है दीपक कुमार 18 वर्ष, पिता दिनेश यादव, गांव भरथुआ। तीसरा गिरफ्तार व्यक्ति है सुनील कुमार, इसकी भी आयु 18 वर्ष है, सन ऑफ कपिल यादव, विलेज भरथुआ। और चौथा जो व्यक्ति है वो माइनर है, इसलिए अभी तत्काल उसके नाम हम लोग नहीं प्रेस को दे रहे हैं, उसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बयान लिए जा रहे हैं। और इसमें बाकी 4-5 लोग और जो इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी आ गए हैं। गिरफ्तारी जैसे मैंने बताया उसकी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये सभी भरथुआ के हैं जी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें मिली है कि अमर कुमार के पोजेशन से पुलिस को एक स्मार्टफोन मिला है जिससे ये पूरी वीडियो क्लिप बनाई गई थी। वीडियो क्लिप की भी पुष्टि हो गई है, वीडियो क्लिप उसमें बरामद भी कर ली गई है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर आया था वो हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की स्तर से बहुत ही गंभीरता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और उसी का नतीजा है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई साक्ष्य या सुराग नहीं था उसको हम लोगों ने लगभग 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेट करके डिटेक्ट किया है, गिरफ्तारी की है और जल्द से जल्द और लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी SIT पूरी तरह लगी हुई है, इसकी मॉनिटरिंग हमारे कार्यालय से भी की जा रही है, मैं खुद कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इसमें इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग कानूनी दायरे में करेंगे। इन सभी के विरुद्ध हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट करेंगे, चार्जशीट होने के बाद स्पीडी ट्रायल में इस केस को डाल के इसकी सजा कराई जाएगी। क्या ये लड़की माइनर थी इस मामले में जिसके साथ ये घटना हुई है? देखिए, लड़की का जो भी अभी तक हमारे पास सूचना आई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़की माइनर है। लड़की का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, इसमें महिला टीम लगा दी गई है, महिला हेल्पलाइन की मदद ली जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है। हमें उम्मीद है कि विक्टिम जल्द से जल्द हमारे सामने आएंगी, मगर अभी तक जो साक्ष्य हमारे पास है वो लगता है कि माइनर है। नहीं, ये चीज अभी कहना मुश्किल है कि उसके साथ कौन था। गिरफ्तार व्यक्तियों ने जो बताया है उसमें यही बात बताई गई है कि ये लड़की वहां पर थी। नहीं, लड़की के बारे में ऐसी कोई सूचना अभी तक हम लोगों के पास अभियुक्तों के द्वारा नहीं दी गई है। लड़की के बारे में अभियुक्तों द्वारा अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है जिससे हम उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करें। ये कार्य पुलिस खुद कर रही है। हमने वहां लोगों से अपील भी किया है, स्थानीय लोगों से भी कहा है कि आसपास के सभी क्षेत्र में लोग इसमें आगे आए, हमको बताएं, उनकी आइडेंटिटी भी हम गुप्त रखेंगे। जैसा आपको मालूम है कि पॉक्सो या इस तरह के एक्ट में हम लोग विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं और माइनर की भी नहीं करते हैं। तो ये कार्रवाई हमारी चल रही है। ये जरूर है कि इसमें जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग इसमें कल अपील भी हमने किया था कि इसको ना दिखाया जाए। इस पर बहुत एक तो गैर कानूनी भी है इस प्रकार की चीज दिखाना, जबकि इतना ये जघन्य एक अपराध है एक माइनर लड़की के साथ, तो उसमें किसी प्रकार की सेंसेशन क्रिएट करना या पॉलिटिक्स करना ये कदापि उचित नहीं है। और इसके लिए हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे अगर किसी के द्वारा निजी लाभ या किसी प्रकार से दुरुपयोग की दृष्टि से इसका मिस यूज करा गया है, तो वो कार्रवाई भी हमारा साइबर सेल उसमें कर रहा है। बाइक सब किसकी है जो घटनास्थल पे मिली है? वो वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, बाइक ओनर अभी हमारे सामने नहीं आया है, वो भागा हुआ है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी जैसे साक्ष्य आएंगे। सर, आप बोल रहे हैं कोई लड़का नहीं था साथ में, लेकिन लगता कि ये घटना किसी चीज का रिपरकशन हो, तो कुछ अब तक जो इन्वेस्टिगेशन से बात सामने नहीं है? नहीं, वो सारे देखिए इंटरोगेशन चल रहे हैं अभी, मुझे उम्मीद है कि और गिरफ्तारियां होंगी, ये पूरा गिरोह सामने हमारे आएगा, एक एक चीज पे हम लोग छानबीन करेंगे और पूरी जो घटनाक्रम है वो अपने आप सामने आएगा।